नमस्कार, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल भारत दर्शन व्लॉग। अभी मैं देहरादून विपश्यना सेंटर पर हूँ और मुझे सेवा का यहाँ मौका मिला है और फुल टाइम किचन में सर्व करने का मौका मिला है। ये मेरे लिए गर्व की बात है, बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पे जो भी साधना करने के लिए आते हैं, अपने तनाव चिंता दुख को दूर करने के लिए आते हैं, पूरे दुनिया भर से लोग, मेल भी फीमेल भी, तो सबको सर्व करने का मौका मिलेगा, किचन में हर तरह से काम करने का मौका मिलेगा। और मैं आपको आज अपनी सेवा के ज़रिए जो मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है, मैंने आपको अभी दिखाया भी सेवा करते हुए, बर्तन धुलते हुए, सब्जी और रोटी वगैरह बनाते हुए, तो सेवा की बारीकियों को आपको बताऊंगा कि सेवा होता क्या है। रियली में जो सेवा होता है ना, वो सेवा होता है, उसमें कोई बड़ा या कोई छोटा सेवा नहीं होता। किसी को ये अहंकार हो जाए कि मैं तो बड़ा कैपेबल हूँ, मैं तो योग्य हूँ, मुझे तो बड़ा सेवा चाहिए, और ये तो क्षुद्र कोटि का है, ये तो सब्जी बनाने वाला रोटी या बर्तन धुलता है या टॉयलेट की सफाई करता है, तो नीच आदमी है, इसलिए इसके कैपेबल नहीं है, इसलिए इसको सेवा मिला है। तो अगर आपके अंदर ये बात आ गई ना, तो आपके अंदर निष्कामता नहीं आएगी, आप कर्म के रहस्य को नहीं समझ पाएंगे, और न ही आप जीवन का जो अल्टीमेट लक्ष्य है लिबरेशन या दुख से मुक्ति, आप उस मार्ग पे भी नहीं चल पाएंगे। तो ये तो पहली बात हो गई। और दूसरी बात कि जो किचन होता है ना, किचन बैटल ग्राउंड होता है, ये मैं इसका रहस्य आपको समझाऊंगा। किचन बैटल ग्राउंड कैसे होता है, गृहस्थ में भी या आश्रम में भी लोग किचन में काम नहीं करना चाहते या टॉयलेट साफ नहीं करना चाहते, उनको लगता है कि ये छोटा काम है, मैं बड़ा योग्य हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, तो ये ऐसा करते हैं। या घर में भी होती है कि बड़ी बहू कहती है कि मैं किचन में काम नहीं करूँगी, छोटी बहू पे सारा भार डाल दिया जाता है, तो ऐसा होता है, तो उसके अंदर खिन्नता आ जाती है। तो आपके अंदर ये भाव नहीं आना चाहिए कि ये छोटा काम है, ये सब्जी बनाने वाला काम है या बर्तन धुलने वाला काम है, ये कभी भी भाव नहीं आना चाहिए। सेवा भाव से आप परिवार के सभी सदस्यों का मंगल होगा, उनकी तृप्ति होगी, इस भाव से आपको किचन में काम करना है, इस भाव से आपको काम करना है, इस भाव से आपको खाना बनाना है, तब आपको बहुत मज़ा आएगा। मैं देखता हूँ अपने समाज में, मुझे बहुत दुख होता है कि परिवार के समाज के टूटने का मुख्य कारण किचन ही होता है, इसलिए मैं इसे किचन बैटल ग्राउंड कहता हूँ। किचन इज ए बैटल ग्राउंड, युद्ध का मैदान। आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि इसे बैटल ग्राउंड क्यों कह रहा हूँ। अधिकांश जो लड़ाइयाँ हमारे घर में होती है, हमारे समाज में होती है, तो किचन के कारण है। भाई भाई में अधिकांश जो झगड़े होते हैं, जो परिवार में जो विभाजन होता है या घर में जो विभाजन की लकीरें खींची जाती है, तो उसका जो मेन कॉज होता है, मेन जो कारण होता है, वो किचन होता है। क्योंकि मैंने कम काम कर लिया, उसने ज़्यादा कर लिया, मुझे ज़्यादा काम करने का मौका मिल रहा है, तो आपको काम करने का मौका मिल रहा है तो उसको निष्कामता लाइए, निष्काम कर्म के साथ, कर्म फल की चिंता किए बगैर, कि औरों का मंगल हो, औरों का मंगल हो, इस भाव से अगर आप काम करेंगे ना, तो मैं सच कहता हूँ, आपको कोई योगा करने की जरूरत नहीं, कहीं मंदिर जाने की जरूरत नहीं, कहीं कुछ जप तप करने की जरूरत नहीं, आप धर्म के मार्ग पर अनायास ही चल निकलेंगे और आपके जो चित्त की शुद्धि है वो अनायास ही होने लगेगी। आप यकीन मानिए, एक कर्म का रहस्य है, गीता में इसे ने भगवान ने कर्म योग बताया है, निष्काम कर्म बताया है। यही मैं मुझे आपको बताना था, मैं आपको दिखा रहा हूँ सेवा करते हुए। बहुत बहुत धन्यवाद।